चाचा क्या नाम लिखते हैं आप? मुनव्वर अली। आप कहाँ से आए हैं? संडीले सर। क्या समस्या है आपको? हमारे 3 कूले टूटे चुके हैं 3 जगह से, दहने से। जी जी, फिर आप लोग कैसे जान पाए यहाँ पर इस चीज़ का इलाज है? आपको कैसे सूचना लगी? एक जना बताया था कि टौंजा चले जाएं, आप कलू पहलवान है, आप वहाँ चले जाएं, वो पैसा भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, 10-20 अगर दे दो उनकी इच्छा हो तो जेब में रख दो, वरना ना इच्छा हो वो भी न दो, और तेल लगाए सिर पट्टी बांधते हैं। अच्छा अच्छा, आपको फ़ायदा है? इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैं अपने चल फिर रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ हॉस्पिटल आप कहीं नहीं गए थे, कहीं दिखाया नहीं था? हॉस्पिटल गए थे, वहाँ एक्सरे खींचा, एक्सरे खींचने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपके 20 दिन के लिए पट्टी बंधेगी और भर्ती होगा। तो 40,000 रुपया मांगी था, तो हम कहा 40,000 या 10,000 नहीं, 40,000 कहाँ से, अपने दिल में सोचा। फिर हम कहा अच्छा देखो ऐसा करो 2 दिन के दवा दे दो, हम पैसे का इंतजाम करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ लखनऊ आ गए? लखनऊ आ गए हम। क्या नाम है जी आपका? रेशमा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम संडीले से आए हैं। किस चीज़ का इलाज कराने आए हैं? उनकी हड्डी टूटी हुई थी, उसी चीज़ का इलाज कराने आए हैं। आपको यहाँ पर फ़ायदा हुआ है? हाँ, अल्लाह ने बहुत फ़ायदा दिया है यहाँ पर। पैसा इन्होंने कितना लिया आपसे? हमसे पैसा कुछ भी नहीं लिया है, हम अपना खाना पीना कुछ अपने वही। हॉस्पिटल में आप लोग इलाज किस लिए नहीं कराए? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल में इलाज कराने में आप सक्षम नहीं थी? नहीं, हमारे इतने पैसे ही नहीं थे तो हम वहाँ इलाज क्या कराते, वो तो आप रेशम बोल देते। उन्होंने कहा था 20 दिन के लिए भर्ती करो, 40,000 रुपये ला, तो हम कहाँ से लाते? 13,000 बोलो। दादी क्या नाम है आपका? हमा जी उमर जहां नाम है। कहाँ से आई आप? आलमनगर। आलमनगर ये कहाँ पर? आलमनगर मुहान रोड। लखनऊ से हैं? आपको कैसे पता चला यहाँ इस चीज़ का इलाज होता है? हम आ चुके होंगे तो फिर ये पैर ठीक कर ही नहीं रहा। अच्छा तो अच्छा, फिर हमारे साल ने गिरा दे गाड़ी, तो फिर हम यहीं आए। फायदा हुआ आपको? जी बहुत फायदा हुआ है। चल रही है जब चल, आप हॉस्पिटल भी तो जा सकती थी। गए थे भाई, कोई सुनवाई नहीं, गए थे हॉस्पिटल। पट्टा बांधी दुनिया का और एक रत्ती खड़ा उत्तर थे, दूसरे को मनवाने लग जाते थे, वो 2-3 दिन से पहले। बेटा तुम सेट में हो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो बाद में? आपको दिखाना है क्या? क्या नाम है जी आपका? सीता। आप कहाँ से आए हैं? उन्ना सफीपुर से। यहाँ आपको कैसे पता चला, यहाँ का एड्रेस आप कैसे जान पाए? हमको लोगों ने बताया तो हमने आए। क्या समस्या लेकर आई हैं आप? हमारे आदमी की कूलर टूट गई, ये जान। जी जी, कितना पैसा यहाँ पर इलाज में गया? फायदा हुआ आपको? आप सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल गए क्यों नहीं थे? वहाँ ऑपरेशन ने बोल दिया था तो हमारे पास पैसे नहीं थे, 2-2 बच्चे भी छोटे छोटे हैं, 3 महीने की बच्ची है, 4 साल की लड़का। आपने वहाँ इलाज क्यों नहीं कराया? हमारे लिए पैसे नहीं तो क्या कराएंगे। क्या नाम लिखते हैं सर आप? बीके सिंह। कहाँ से आए आप? पीजीआई से। आपको कैसे पता चला यहाँ पर इस चीज़ का इलाज? हमारे यहाँ पुलिस भर्ती बोर्ड में हम पोस्ट हैं जी, पुलिस भर्ती बोर्ड में हमारे यहाँ 3-4 मरीज यहाँ सब ठीक हो चुके हैं जी, इस रूप में लेकर मैं माता जी जाए, माता जी 2 दिन दिखाया हूँ, पूरी तरह से आराम है, तीसरी बार माता जी को और लाया हूँ।
कुछ लोग जो है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से इनके समक्ष जो है लिखा जा रहा है कि यहाँ पर इलाज नहीं अच्छा होता है और यहाँ पर पैसा लिया जाता है। नहीं नहीं, जो जो कर रहे हैं, हम लोग दो बार आ चुके हैं, हमसे एक रुपया नहीं मांगा गया, यहाँ एक रुपया लिया जाता है जी। हाँ, यहाँ जो श्रद्धा सुमन होती है दवा का, अपना हम लोग पैसा ले जाते हैं, यहाँ एक रुपया किसी की मांग दिया। अभी हमारे सामने 2500 मरीज आ चुके, किसी से एक रुपया किसी नहीं मांगा गया, न किसी पैसे से कोई मतलब। यहाँ सारे मरीज जितने हैं सब खुशहाल होकर जा रहे हैं, हंसी खुशी जा रहे हैं, और सब गरीब मरीज आ रहे हैं, बड़े भी आदमी आ रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं।